हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं बैटल करने जा रही हूँ लैक्मे काजल और मेबेलिन काजल के बीच में। हम जब भी मार्केट जाते हैं काजल लेने के लिए, या हम कभी भी काजल लेने के लिए सोचते हैं ना, तो हमारे माइंड में यही दो काजल के नाम आते हैं, लैक्मे या मेबेलिन। कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा ज़्यादा बेस्ट है? और तो देखते हैं वीडियो में कौन सा ज़्यादा अच्छा है काजल। तो दोनों की पैकिंग सेम होती है, रेट भी दोनों के सेम ही है, और क्वांटिटी भी दोनों की सेम है, 0.35 ग्राम्स दोनों का है। और इसके जो डेट है, एक्सपायरी डेट, वो 24 की है मेबेलिन की, तो इसकी 3 साल की है, और लैक्मे की जो है वो 30 मंथ्स की एक्सपायरी डेट है। तो और मेबेलिन में आपको एलोवेरा जेल मिला रहता है, और जो लैक्मे का है ये कॉन्टैक्ट लेंस जो यूज़ करते हैं उनके लिए सुटेबल रहता है। तो दोनों की पैकिंग सेम है, रेट भी सेम है, और वाटरप्रूफ दोनों ही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैं पहले लैक्मे का लगा रही हूँ, ये लैक्मे का लगाया मैंने, देखिए। अब हम लगाएंगे मेबेलिन का, पहले डार्क कर ले। तो ये लैक्मे का लगाया मैंने। लैक्मे का जो 24 आवर्स का रहता है, और मेबेलिन लैक्मे 22 आवर्स और मेबेलिन 24 आवर्स। तो कौन सा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, चलिए वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ये देखिए मेबेलिन का पहली बार में कितना डार्क आया है, डार्क ब्लैक, और लैक्मे में इतना डार्क नहीं आया था, ब्लैक बहुत डार्क नहीं लग रहा है। तो ये मेबेलिन का पहली बार लगाने में देखिए कितना डार्क आ रहा है, ये देखिए। और स्मज प्रूफ भी देखते हैं और वाटर प्रूफ भी देखते हैं, दोनों है कि नहीं। अब मैं इसमें पानी डाल के देखूंगी वाटर प्रूफ है कि नहीं। मुझे तो मेबेलिन ज़्यादा सही लग रहा है, तो इसमें देखिए वाटर डाल के देखते हैं वाटरप्रूफ है कि नहीं। अब मैं इसे अच्छे से रगड़ के देखूंगी, ये देखिए मेबेलिन जरा सा भी नहीं हिला, और लैक्मे देखिए हल्का सा फेड होने लगा है और फैल भी रहा है। तो लैक्मे तो स्मच प्रूफ नहीं है, वाटर प्रूफ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता लैक्मे लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और मेबेलिन देखिए जरा सा भी नहीं लाइट हुआ है, और ना फेड हुआ है कलर, ना ही फैला है ये। तो मेरे अकॉर्डिंग मेबेलिन काजल ज़्यादा बेस्ट है। प्राइस भी दोनों के सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, तो अगर आप काजल लेने के लिए सोच रहे हो तो आई प्रेफर कि मेबेलिन लें। अब हम इसे आंखों में लगा के देखेंगे कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें मैं मेबेलिन लगा रही हूँ, काजल कैसे लगाते हैं ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। तो जो लोग नए हैं मेरे वीडियो पर, वो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। काजल हम वाटर लाइन में और लैश लाइन में दोनों अच्छे से डार्क लगा लेंगे। मेरे पिछली वीडियो में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि काजल सही तरीके से कैसे लगाते हैं। और काजल लगाने से पहले एक बार ध्यान जरूर रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि या तो पाउडर लगा लीजिए आंखों के नीचे, या कॉम्पैक्ट लगा लीजिए, और आई शेडो भी आप लगा सकते हैं। इससे आपका काजल फैलता नहीं है, बहुत देर तक टिका रहता है आपकी आँखों में। तो ये मेबेलिन का लगा लिया, अब हम दूसरी आंख में लगाएंगे लैक्मे का, ये देखिए। अब इसमें लैक्मे लगाएंगे हम, तो इसमें हम लगाएंगे लैक्मे। लैक्मे का पहली बार में तो डार्क बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसे हम 2-3 बार अच्छे से लगाएंगे तब जाके डार्क होगा। जबकि मेबेलिन पहली बार में ही अच्छा डार्क हो गया था, आंखों में लग भी गया था अच्छे से। तो गाइज आपको फर्क खुद ही दिख रहा होगा मेबेलिन और
लैक्मे में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है? मेरे ख्याल से मेबलिन जो है ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ भी है, स्मच प्रूफ भी है, और डार्क भी है, डार्क ब्लैक है, डीप ब्लैक जिसे कहेंगे। दोनों के प्राइस सेम है, क्वांटिटी सेम है, तो आई प्रिफर कि आपको मेबलिन ही लेना चाहिए। तो गाइज आप लोग फर्क खुद ही देख लीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा बेस्ट लगा, बेटर लगा दोनों में से। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो में नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको दोनों में से कौन सा काजल ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू।